अस्सलाम वालेकुम अकमल शहजाद गुमन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारे साथ मेहमान है, जो शख्सियत है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने जिस फील्ड में भी पाँव रखा अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और ये ऐसे लोग हैं कि कोई भी जुबान बोले, वो उर्दू हो, वो पंजाबी हो, वो इंग्लिश हो, तो वो लगता है कि ये इनकी अपनी जुबान है। जिससे मिले उसे भी ऐसे ही लगता है कि जैसे उसके अपने। मैं बात कर रहा हूँ कमल नसीद साहबा की। कैसी हैं मैडम आप? कह रही हैं बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। तो मैंने ये सोचा कि आप टीवी पे और रेडियो पे तो बहुत आती हैं और बड़ी रख रखाव से बातें करती हैं। अच्छा। तो आज कुछ रख रखाव को थोड़ा साइड पे रख के हम वैसे गपशप के अंदाज में कुछ करें। जरूर। तो जैसा कि मुझे तो पता ही है, बाकी सुनने वालों को भी या देखने वालों को पता है कि आप लाहौर में पैदा हुए, तो थोड़ा सा ये बताइए जब आप लाहौर में थी, जब आपने शौर की होश की आंख खोली, तो उस वक्त लाहौर कैसा था? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और रख रखाव की जो बात है ना, वो आगे जाके आपको जवाब दूंगी कि रख रखाव कैसे रचा बसा लिया हम लोगों ने अपने जात में। मैं लाहौर में पैदा हुई और मजन लाहौर में, और हमारे अम्मी कहते हैं बिल्कुल हमसाया जो थे इम्तियाज अली खान साहब के, तो पार्टीशन ऑफ कोर्स हो गई थी, वहाँ मैं पैदा हुई। और उसके बाद वहीं स्कूल जीजस मेरी कॉन्वेंट में बैठती थी उस वक्त, यहाँ से मजन से हम आ गए उसके बाद, जहाँ अब हमारा टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन है उसके सामने उनकी कोठी है, फसल बारिश पीछे गए थे सिमला पहाड़ी की साइड में, वहाँ हम लोग रहे थे। तो डेविस रोड पे स्कूल था जी सिंह मेरी, वो मेरे हमारे बाद, और ये जो पाकिस्तान दो कदम पे था उस वक्त का लाहौर, अगर पूछेंगे तो अंडरस्टूड है कि एक बड़ा हसीन बाग दरख्तों का शहर, सिमला पहाड़ी के लोग सैर करने आते थे। अभी वहाँ जब हम जाते हैं तो जहाँ पार्किंग है हमारे रेडियो पाकिस्तान लाहौर की, अब जो रेडियो पाकिस्तान, और यहाँ हमारे पीछे उसके गली में था टीवी, तो वहाँ तो खड़े होने की क्या, सांस लेने की भी जगह नहीं थी। लेकिन ऐसा जब नहीं था, हम लोग पैदल जाते थे वहाँ से, दो तीन बच्चियाँ पढ़ती हैं तो, और ये वो इलाका था, ये वो जगह है, या कई बार कहा कि उसमें ऐसा कोई उसकी मिट्टी में अदब का और उसका रख रखाव था कि फिर राज साहब भी इधर आ गए, जहाँ अब टेलीविजन के सामने मतलब यही मतलब रोड, और ये इतना सा सिमला पहाड़ी फैला था, कोने पे एक आंटी जेरी सैयद थी जो मुशायर हुसैन की मदर इन लॉ है, और उनकी बेटी नाजली और मैं मुश्का की छोटी बहन, बड़ी बहन जो, और मैं भी, हम इकट्ठे क्लास में एक सेकेंड गार्डन से हम इकट्ठे जाते थे, पैदल जाते थे, कॉन्वेंट तो ये साथ था, तो शिमला पहाड़ी पे जाना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन और वहीं से साथ रेजियो क्योंकि गवर्नर हाउस के दूसरे गेट की तरफ था, और सामने फैज साहब थे, सड़क क्रॉस करो तो फैज साहब का घर था। तो ये उस वक्त का जो इतने इलाके का ही मैं आपको लाहौर बताऊँ, और इसमें अगर हम जो अब सड़क है आगे चले जाते हैं नौलखे की तरफ था, स्टेशन की तरफ जरा सा आगे, तो उस जगह से वो किला गुजर सिंह का इलाका, हमें उस वक्त नहीं मालूम था, तो वहाँ से आधे पाकिस्तान की जो फनकार आए हैं वो वहाँ से आएंगे, जो इस तरह का माहौल था। मैडम ये किस जमाने की बात है? अब ये आपने कहा ना शऊर के बाद, तो शऊर अगर आप हमें 7-8 बरस में समझते हैं कि हम थोड़े से बाशऊर थे या समझने लगे थे, लेकिन तो ये होगा अब मिड 50s। बड़े बड़े दरख्त। मैडम आपकी जो वालदा मोहतरमा थी उन्हें गुलगुल कहा जाता था, जो बच्चों के प्रोग्राम में तो वो उनका उर्दू जिस तरह वो बोलती थी, तो किसी आम बंदे के बस की बात भी थी, उन्हें पहचान सकता कि वो
पंजाबी गाने से, लेकिन मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि मैंने उनकी आवाज में हीर सुनी, हीर वारशाह जो उन्होंने तहतुल्लफ पढ़ी हुई थी, तो इस लीके और उमदगी के साथ कि वो लगता था कि ये हीर ये खुद ही नहीं, पूरी उसकी तर्जमानी। तो तुसी कैसी पंजाबी बोल रहे? मैं बहुत कोशिश, मैं 2.5 साल पंजाबी का प्रोग्राम किया, सरायकी का प्रोग्राम किया और कारिश, लेकिन पंजाबी नहीं बोलती, बहुत उर्दू पे बहुत जोर था उस जमाने में। असल में ये था कि भाई बच्चों को जरा ये, अच्छा नहीं ये बात नहीं थी, हमने कहती थी अगर रेडियो पे जाना है तो उर्दू बोल रहा है, और अगर शुरू से पंजाबी घर में बोलो तो फिर वो एक्सेंट थोड़ा सा पंजाबी हो जाता है। बिल्कुल। तो जब हम कोई जरा सा भी लफ्ज अगर मैंने कह दिया मीना आवाज ही, तो मैंने कहा जी समझ नहीं आया, तो कहती थी समझ नहीं आया ये सब, मतलब तो वो तो इस कदर की जेर जबर की वो थी ना पक्की, है ना। उन्होंने कहा अम्मी ने, आई थिंक रेडियो उस जमाने में एक ऐसा इदारा था जिसने बहुत बड़े बड़ों की नोक पर रखे, है ना, जेर जबर पे जोर, आवाज की शाइस्तगी पे जोर, और उर्दू पे शाइस्ता जबान पर, उर्दू पे मतलब जो जैसे तारिक का कहते हैं कि गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे प्रोड्यूसर्स। अच्छा, इतनी रिहर्सल होती थी तो उसी क्या कि उर्दू बहुत शाइस्ता, पंजाबी शाइस्ता है, पंजाबी दे कुछ लफ्ज़ ने जड़े मैं समझी उन्हें दा नेमुल बदल ही कर दी थी ना उन चली नु की कहो, बिल्कुल सही, अंग्रेजी में तो मतलब चली नु की कहा, बिल्कुल है ना। असल ये है मैडम कि हर जुबान का गलबत अपना अपना हुस्न है और अपनी अपनी उसमें खूबसूरती है, तो वो हर जुबान अपना सुरूप और अपना हुस्न लिए हुए है, फारसी किस तरह खूबसूरत है। बिल्कुल मैडम, किस उम्र में आपने रेडियो में आना शुरू? रेडियो में आना जाना तो मैं ये शायद कभी किसी इंटरव्यू में नहीं कहा, लेकिन जब उनको उस वक्त साउंड इफेक्ट पे बहुत जोर होता था, ड्रामा जोर ऐसा होता था, तो अम्मी कहती हैं कि उस वक्त साउंड इफेक्ट थे नहीं, क्योंकि मतलब तो सारा तो सब लोग उधर चले गए, फिर नया नया रेडियो था, लाहौर का रेडियो था, इसमें से ओम प्रकाश, शतामी कौशल और देवानंद के भाई चेतनानंद, जी तो वो सब जब चले गए तो इनको बहुत वो था कि हमने रेडियो लाहौर को ऐसा बनाना है कि, तो अम्मी कहती साउंड इफेक्ट के लिए बच्चे रोने की आवाज चाहिए थी, तो मैं कोई 3.5 महीने किया थी। अच्छा, पहले पहली जो है ऑडिशन वो 3.5 महीने में हुई, लेकिन 7 बरस की लगी पहला।